इस समय पूरे राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी पूरी तेजी से चल रही है। तृणमूल कांग्रेस ने जहां सबसे पहले अपने प्रत्याशी को उतार करके इस चुनावी मैदान में सबसे आगे चुनाव प्रचार में इन लोग जुट गए हैं, तो नगरगटा विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी है श्री जोसेफ मुंडा, जो जमीनी स्तर से काफ़ी सक्रिय पार्टी के कार्यकर्ता भी थे और उन्होंने विगत 2011 में इस क्षेत्र से विधायक के रूप में भी वो चुने गए थे। तो आज श्री जोसेफ मुंडा से हम लोग गुप्तगु करते हैं, उनके इस चुनावी माहौल में किस प्रकार से अपनी चुनाव प्रचार वो कर रहे हैं। तो सबसे पहले एनईआई और एनवीआई दर्शक की ओर से तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी श्री जोसेफ मुंडा को बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। तो मैं प्रत्याशी के रूप में, मुझे टीएमसी से दिया गया है, हम काफ़ी प्रचार में लगे हैं और हमारे जो 251 जो बूथ के कार्यकर्ता हैं सभी पूरा जोर तोर से ये सीट को दोबारा टीएमसी अपने पक्ष में करने के लिए लगे हुए हैं। और जब मैं सुबह 8 बजे घर से निकलता हूँ, सबसे पहले मैं चुनता हूँ कि अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो लीडर्स हैं, उनके पास जाऊँ, उनका एक्टिविटीज़ कैसे बूथ लेवल में चल रहा है, ये काफ़ी दिनों से हमारा चर्चा हुई है। लेकिन अब समय आ गया है कि हम प्रचार के रूप में झंडा हमारा लगने लगे हैं और गाड़ी निकालना है, कहाँ मीटिंग करना है, ये सभी कार्यकर्ता कर रहे हैं। तो इस कार्यकर्ता के ऊपर में मेरा पूरा भरोसा है कि यहाँ टीएमसी दोबारा जीत ले पाएगी। धन्यवाद बहुत हमारे जोसेफ मुंडा जी, विशेष करके सुबह से आप लोग जनसंपर्क अभियान में निकल पड़ते हैं चुनावी प्रचार के लिए, लोगों से आपका किस प्रकार का सहयोग और समर्थन प्राप्त हो रहा है, और दूसरी बात कि आपका दिन भर का रूटीन चुनावी प्रचार के लिए क्या कैसा है? जो वोटर्स है, हमारे कार्यकर्ता तो हाई हैं, जो आम वोटर्स है वो बहुत ही उत्साहित है टीएमसी को जिताने के लिए। इसलिए उत्साहित है कि टीएमसी ममता बनर्जी की सरकार जिस प्रकार से जनता के लिए काम की है, इससे बहुत खुश है। तो हम जहाँ भी जा रहे हैं बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिल रहा है, पार्टी को रिस्पांस मिल रहा है, कार्यकर्ता जुट रहे हैं, इससे काफ़ी उम्मीद लगा के बैठे हैं हम लोग। जिस प्रकार ममता बनर्जी विकास को लेकर के इस बार चुनाव लड़ रही है, जनता के समक्ष पहुंच रही है, तो चाबागान क्षेत्र में आप किस किस एजेंडे को लेकर के अपने मतदाताओं के समक्ष आप पहुँच रहे हैं? देखिए, सभी जान रहे हैं बीजेपी के पास कोई मुद्दा है नहीं, क्यों बंगाल में आकर वो डेवलपमेंट के बात ही नहीं कर सकती। लेकिन टीएमसी जो है बहुत सारे मुद्दा लेकर लोगों के पास जा रही है। आज चाय बागान में ढुकने के पहले की वेज के बात आता है, आज 202 रुपया ममता बनर्जी ठीक इलेक्शन के पहले पहले, ये काफ़ी दिनों से 8-10 मीटिंग हो चुकी थी, लेकिन मालिक के साथ में काफ़ी टासल हुआ था, लेकिन 202 रुपया आज डेली वेज इंटीरियम, ये हमारे फाइनल वेज नहीं है, ये फाइनल जब होगा तो 2 से 2 और भी प्लस हो सकता है। लेकिन बीजेपी वाले ने असम राज्य से तुलना कर रहे थे कि हमारा 217 रुपया हुआ, और ये ढोल पिटा, बहुत पिटा उन्होंने, जनता के समक्ष आया, श्रमिक के सामने आकर उन्होंने कहा कि असम बीजेपी के राज्य है और वहाँ 217 रुपया हुआ, लेकिन बंगाल 202 रुपया रखा है। लेकिन ज़्यादा दिन बीता नहीं, ये 3-4 दिन में उसका रिजल्ट आ गया, आज 217 रुपया नहीं, वहाँ 276 रुपया ही मजदूर पाएंगे। मालिक पक्ष जो वो हाईकोर्ट पर जाकर उन्होंने केस कर दिया, इससे मुझे नहीं लगता है कि ये 217 रुपया आप असम के मजदूरी श्रमिक मजदूरी पाएंगे, वो 176 रुपये यही है, ये बीजेपी का चाल है। वो बीजेपी वाले को, श्रमिक को बोला है बीजेपी वाले के 217 रुपया हम कर रहे हैं, और मालिकों को बोला है कि आप लोग केस कर दीजिए क्योंकि आप लोग को देना नहीं पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट और मालिकों का जो तालमेल है, इसी तालमेल का शिकार असम के श्रमिक हुआ है, लेकिन बंगाल का वो नहीं है। ममता बनर्जी मन से चाहिए है कि मजदूर 202 रुपया पाए, यहाँ किसी प्रकार का विवाद नहीं होकर वो 202 रुपया आज वेज पाए हैं, और मुझे आशा है जब सरकार ममता का बनेगी तो 202 रुपया नहीं, इससे काफ़ी पैसा और प्लस हो सकता है। जैसे चाय बागान क्षेत्र से घिरा हुआ ये नगरकटा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर शिक्षा को लेकर और रोजगार को लेकर आपकी क्या मन कल्पना, कि किस प्रकार की योजनाएं आने वाले दिनों में, यदि आप विधायक बनते हैं तो आप क्या करना चाहेंगे? मैं आप लोगों के जरिए मैं हर शिक्षक को तो मैं प्रणाम और नमस्कार जानना चाहता हूँ, और उन लोगों से मैं निवेदन भी करना चाहता हूँ, केवल हमारे पश्चिम बंगाल नहीं, पूरे भारतवर्ष के मैं शिक्षा डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोगों को मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन बंगाल सरकार जिस प्रकार से शिक्षा के लिए काम कर रही है, मैं उदाहरण तौर पर आप लोगों को बोलना चाहूँगा, हिंदी कॉलेज के बहुत डिमांड यहाँ थी, लेकिन एकमात्र अगर वो डिमांड पूरा की है तो ममता बनर्जी की आए, वो उदाहरण हमारा बानाहट हिंदी कॉलेज है। इसी तरह वो बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ पश्चिम बंगाल में हुए हैं, और हमारे इस ब्लॉक में
मॉडल हिंदी स्कूल भी हुआ है, ITI हुआ है, तो मुझे लगता है कि एडुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ और कुछ बाकी है काम। आज मेरे नगरकटा क्षेत्र से मेट्री सर्कल का मैं बात बोलना चाहूँगा। जब मैं विधायक था तब भी ये समस्या थोड़ा उभर कर आया था, हमने प्रयास किया था, तब हम विरोधी MLA हुआ करते थे। तो आज मैं सरकार का प्रत्याशी हूँ, अगर जनता मुझे आशीर्वाद करेंगे, मैं सबसे ज़्यादा मैं प्रायोरिटी देना चाहूँगा एडुकेशन को। एडुकेशन ही एक ऐसा एक जरिया है कि सामाजिक समाज को उत्थान कर सकता है, हर कम्युनिटी के समाज का उत्थान कर सकता है, एडुकेशन में सब कुछ है जी। तो मुझे लगता है कि इस एडुकेशन को बहुत ही प्रायोरिटी देना चाहिए, प्राथमिकता देना चाहिए, इसको फर्स्ट एजेंडा बनाना चाहिए। तो मैं आशा करूंगा अगर जनता यहाँ का आशीर्वाद करेंगे, शिक्षा हमारे साथ अगर जुड़ेंगे, शिक्षक अगर हमारे साथ जुड़ेंगे, तो जो एक सर्कल का लेकर काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम चल रहा है, मेटली सर्कल और नागराकाटा सर्कल हो जाए, काफ़ी स्कूल जुड़ा हुआ है, अंग्रावासा 2 से आके मेटली SI ऑफिस में काम करना थोड़ा तकलीफ हो रहा है, तो मैं ज़रूर चेष्टा करूंगा, दीदी के पास मैं आवेदन रखूंगा, आप लोगों के लिए बोलूंगा, इस क्षेत्र के शिक्षक को लिए बोलूंगा, एडुकेशन क्षेत्र के लिए बोलूंगा, जो भी जहां तक उन्नति हुआ है उससे और भी एक स्टेप अगर ऊँचा हो जाए तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र का जो भी जनता है एडुकेशन में और भी आगे निकल जाएंगे। अच्छा जोसेफ जी, ये क्षेत्र चाय बागान से घिरा हुआ है, चाय बागान में श्रमिकों की काफ़ी बुनियादी समस्याएं यहाँ पर है, वहाँ पर मिनिमम वेजेस की समस्या, ज़मीन का पट्टा की समस्या, और इसके साथ साथ वहाँ पर बुनियादी समस्या बोले से पेयजल की समस्या, चिकित्सा की समस्या, ये सब समस्या को आप जो है आने वाले दिनों में यदि आप विधायक बनते हैं तो किस प्रकार समाधान करने के रास्ते पर आप अग्रसर रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं और भी एक बार मुख्यमंत्री तथा मैं ये सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं 34 साल के अंदर भी राजनीति किया हूँ, मैं 29 साल राजनीतिक से जुड़ा हुआ, मैं प्रधान हुआ करता था, मैं विधायक भी था, मैं MP भी लड़ चुका हूँ, तो ये जो ये इस व्यवस्था से मैं काफ़ी दिनों से हूँ। लेकिन बाम के ज़माना में हम पानी के लिए बहुत चिल्ला रहे थे, चाय श्रमिकों ने कहा था कि शुद्ध पानी चाहिए, लेकिन 34 साल में मिला नहीं। मैं खुद विधायक था, मैं विरोधी विधायक होने के नाते, बाप मैं विधायक विरोधी हूँ, लेकिन ममता जी इस पानी से कोई राजनीतिक नहीं किया। मेरा क्षेत्र में 22 चाय बागान ऐसा है जहाँ पीछे के जरिए शुद्ध पानिया जल देने का प्रयास दीदी जो की है। ये उदाहरण स्वरूप में आईविल का मैं बात बोलूँगा, मैं जुरुंती का बात बोलूँगा, नागेश्वरी चाय बात बोलूँगा, जीती हो चाहे होप हो और सारे चाय बागान में है। आज बड़े बड़े टंकी लगे हैं जहाँ की कैपेसिटी 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख लीटर्स का है, तो शुद्ध पानी का देने का व्यवस्था किया है। 34 साल में ये देखा नहीं, दीदी का 10 साल के ये दरमियान हमने पानी का व्यवस्था भी देखा है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। दीदी भी जानती है, जनता भी जानती है और मैं भी जानता हूँ, और भी काम करना पड़ेगा, लेकिन शुद्ध पानी अगर कोई सरकार देगी तो वो दीदी ही दे सकती है, और ये भी हम लोग को बहुत जोर से देखना है। मैं हेल्थ सेक्टर के बात बोलूँगा, आज गार्डन लेवल में जो यूनिट सेंटर है हेल्थ का, आप यहाँ कुछ नहीं रह गया, लेकिन मालवाजर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होने के कारण, लेकिन इस क्षेत्र के लोगों का काफ़ी चिकित्सा व्यवस्था सुधार आया है और बहुत ही डिपेंडेंट है इस हॉस्पिटल में। हाँ, हालाँकि और भी यहाँ ऐसा इक्विपमेंट चाहिए, ट्रीटमेंट को उन्नति करना चाहिए, ये पता है, लेकिन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आने से केवल नागराकाटा क्षेत्र के नहीं, ये माल क्षेत्र नागराकाटा बीरपड़ा काफ़ी लोग आते हैं, तो इससे मुझे लगता है कि ज़रूर अगर दीदी इस जगह पर ध्यान दी है, तीसरी बार अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, हम लोग भी अपील रखेंगे, जनता चाहे कि दीदी का करने का जो इच्छा शक्ति है वो सारे पश्चिम बंगाल में उदाहरण एक है, तो इस क्षेत्र में भी हेल्थ के बारे में जरूर हम लोग सोचेंगे और भी उन्नति होगी, मुझे आशा है। अच्छा जोसेफ जी, चाय बागान के साथ साथ इस जगह में जिस क्षेत्र में आपका विधानसभा क्षेत्र पड़ता है वो पर्यटन के क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छी संभावना है यहाँ पर, तो पर्यटन क्षेत्र को लेकर के आपका मन में किस प्रकार की योजना है, जैसे कि चामुर्ची इलाके में इको पार्क है, लाल झमेला बस्ती, यदि इसको पर्यटन क्षेत्र के रूप में और अधिक विस्तार किया जाए तो दूर दूर से यहाँ पर पर्यटन आएंगे और यहाँ के लोगों की आर्थिक अवस्था भी काफ़ी अच्छी होगी, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि 10 साल के पहले जिस प्रकार से यहाँ टूरिज्म था और अभी वर्तमान में जो है टूरिस्ट जिस संख्या से यहाँ आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि काफ़ी काम तो हुआ है, लेकिन जिस भौगोलिक अवस्था में हम लोग रहते हैं, यहाँ काफ़ी स्कोप है कि टूरिज्म को और वो डेवलप करेंगे, सरकार इस पर ध्यान दी है। जैसा आप लाल झमेला बस्ती को बोला, इको पार्क चमुर्ची के बाद बोले हैं, इसी तरह शमसिम साइड में आप चलौनी चले जाइए, मूर्ति चले जाइए, लटागुड़ी चले जाइए, हाँ कुछ हिल सेक्टर ऐसा है कि बहुत ही सीनरी जो है, जो व्यू पॉइंट है, ये काफ़ी स्कोप यहाँ पर है, तो मैं चाहूँगा अगर यहाँ टूरिज्म डेवलपमेंट होता है तो काफ़ी विकास समस्या भी समाधान हो सकता है, काफ़ी लोग जुड़ जाएंगे,
काफ़ी एडुकेटेड क्वालिफाइड जो लड़कों हैं इस डिपार्टमेंट से जुड़ जाएंगे, इससे मुझे लगता है परिवार भी उन्नति बहुत होगा। तो मुझे लगता है कि जरूर हम इस टूरिज्म सेक्टर में जरूर हम लोग देखेंगे, बातें करेंगे। हमारे गौतम देव जी मंत्री हैं, काफ़ी जुझारू आदमी हैं, काफ़ी उन्नति करने में अग्रसर होते हैं। तो मुझे लगता है कि जरूर हम तीसरी बार अगर मुख्यमंत्री बनती है तो इस सेक्टर भी उन्नयन के लिए जरूर हम अपील करेंगे। चाय बागान क्षेत्र से बहुत से युवा युवती हम देख रहे हैं कि अन्य राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं, जैसे रोजगार की गंभीर समस्या है विशेषकर चाय बागान क्षेत्र में। तो यदि चाय बागान क्षेत्र में यदि रोजगार के विकल्प कोई अगर इंडस्ट्री पर तैयार होता है तो इस पलायन को हम लोग रोक पाने में सक्षम रहेंगे। तो इस प्रकार की आपकी क्या योजनाएं आने वाले दिनों में, यदि इस क्षेत्र से यदि आप विधायक बन करके जीत करके यदि सरकार आप बनाते हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल की जो जनसंख्या है 10 करोड़ से ऊपर है, भारतभर की जनसंख्या पर 135 करोड़ की जगह आ गया है। तो मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ा समस्या है, मैं अस्वीकार नहीं करूँगा, क्योंकि चाय बागान में खुद मैं रहता हूँ, यहाँ काफ़ी बेकार लोगों यहाँ है। तो ये एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, अगर टूरिज्म जो आप बोले इसको टूर टूरिज्म में अगर तब्दील किया जाए, टी टूरिज्म का अगर बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाए तो काफ़ी बेकार जो समस्या है, मैं ये नहीं बोलूँगा 100% समाधान हो, ये मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ परसेंटेज ऐसा है जो लड़का है जो लड़कियाँ हैं इस सेक्टर से जुड़ेंगे तो थोड़ा समस्या समाधान का रास्ता दिखाई देगा, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। दीदी को और भी उत्तर बंगाल में जिस प्रकार से वो ध्यान देती है और बहुत ज़्यादा ध्यान दे के जो बेकार समस्या जो है इसको समाधान का रास्ता ढूंढने के लिए प्रयास तो जरूर करेगी, हम लोग भी बातें रखेंगे। और जो प्लायन का आप लोग बात बोले, ये केवल पश्चिम बंगाल के चाय बागान क्षेत्र की समस्या नहीं है। आप देखे हैं जब लॉकडाउन के समय में करोड़ों करोड़ों लोग पैदल चलने लगे थे, तो केवल वहाँ पश्चिम बंगाल के लोग नहीं थे, पश्चिम बंगाल से बाहर प्रदेश के जो अधिकतर लोग थे, चाहे वो बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे असम हो, ये सारे भारतवर्ष का एक समस्या है। केवल दीदी को नहीं, ये प्रधानमंत्री को भी देखना चाहिए। जो प्रधानमंत्री हर साल सालाना 2 करोड़ सर्विस देने का वादा जो किया था, ये भी मुखर गए। ये तो मैं देखा कि ये तो पाकी झूठा निकला। अगर 2 करोड़ सर्विस अगर दिए होते वो, तो ये पश्चिम बंगाल में उसमें काउंट होता तो बहुत समस्या तो समाधान तो कुछ रास्ता निकलता। तो बीजेपी के ऊपर लोग तो अब विश्वास नहीं कर रहे हैं। हम लॉकडाउन के समय भी देखे हैं, काफ़ी लोग आया बंगाल का ही एक सरकार, ममता बनर्जी जो दीदी है, बस देकर ट्रेन का व्यवस्था करके लोग को लाने का व्यवस्था किया, लेकिन केंद्र सरकार कुछ नहीं किया। तो देखेंगे बंगाल चाय क्षेत्र में जो भी समस्या है, बेकार समस्या है, इसको समाधान का रास्ता क्या होगा दीदी जरूर सोचेगी, और हम लोग भी इस इलाके के लिए कुछ बातें तो जरूर करेंगे। जोसेफ जी, 2011 में शायद आप विधायक बने थे, आप विधायक बनने के दौरान आपने काफ़ी विकासमूलक कार्य इस क्षेत्र के लिए किया था, ये लोग भी कहते हैं। तो यदि ये आप फिर आप उस समय कांग्रेस से आप विधायक बने थे, इस समय आप तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं, तो आपका जो अधूरा कार्य क्या क्या जो उस समय करना चाहते थे नहीं कर पाए और इस बार विधायक बनने के बाद आप करना चाहते हैं? देखिए, मैं तो सोचता हूँ अपने आप को बहुत भाग्यवान। मैं दीदी का यहाँ से धन्यवाद और नमस्कार जनाना चाहता हूँ कि प्रत्याशी के रूप में वो आपके पार्टी से हमको जो चुनी है, तब हम विधायक विरोधी विधायक थे, प्रयास किए हैं, जो हमारे डेवलपमेंट फंड आता है ये सफिशियंट फंड नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास किए हैं छोटा छोटा काम लेकर। अगर दीदी का आशीर्वाद रहेगा, लोग आशीर्वाद करते हैं, केवल विधायक फंड नहीं, जो डिपार्टमेंटली जो फंड है इस एरिया में अगर वो आता है बनता है तो काफ़ी लोग यहाँ उपकार होगा। मैं चाहूँगा कि जो अधूरा काम जो बोले, मैं जो सोच रहा था दीदी तो काफ़ी उस काम को लेकर प्रयास है, काम कर रही भी है, जो एडुकेशन क्षेत्र हो, हेल्थ का सेक्टर में, हर प्राइमरी जो हेल्थ सेंटर था उसको अपग्रेडेशन करने के लिए, वहाँ बेड का व्यवस्था करने के लिए, जो प्राइमरी स्कूल कच्चा है उसको पक्का करने के लिए, जहाँ बेंच का व्यवस्था है, ब्रेंच देने के लिए, जिस एरिया में लाइट नहीं हो लाइट देने के लिए, मैं देखता हूँ जो हम लोग सोच के रखे थे दीदी, लेकिन अपने कार्यकाल में ये पूरा करने का प्रयास तो किया ही है, काम तो हुआ ही है, जो बाकी है जरूर हम दीदी से डिस्कस करने के बाद इस एरिया में काम करने के। आप जब चुनाव प्रचार में निकलते हैं, लोगों से जब मिलते हैं, तो काफ़ी समस्या आपको सुनने में मिलती है, तो इस चुनाव प्रचार के दौरान किस किस एजेंडे को लेकर के, किस किस चीज़ों को लेकर के आप जनता के समक्ष पहुंच रहे हैं? सुनिए, काफ़ी लोग तो बोलते हैं कि हमारे यहाँ पानी नहीं आया, लेकिन मैं उदाहरण स्वरूप में देखता है जहाँ जहाँ पानी का काम हुआ उसको देख बोलता हूँ कि वहाँ पानी आपका यहाँ हो जाएगा। कहीं रोड का समस्या आता है तो काफ़ी रोड हुआ है, सीसी रोड हुआ, मैं रोड का बात बोलता हूँ। हो ऐसा हेल्थ का बात आता है तो माल बाजार का उदाहरण देता हूँ मैं,
तो लोग समस्या तो लोगों के पास तो है, डेली का समस्या तो होता ही है, कभी कोई व्यक्तिगत समस्या बोलते हैं, कोई इलाका भित्तिक बोलते हैं। तो मुझे लगता है जो समस्या के बाद बोलते हैं काम हो ही रहा है, मैं नहीं बोलूँगा कि 100% हुआ है, इसको 100% अगर जिस टारगेट में हम पहुँचेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि लोगों का इतना बोलने का जगह रहेगा। जैसे अभी हाल में ही बानाट को, धूपगुड़ी ब्लॉक को तोड़ करके बानाट एक अलग प्रशासनिक ब्लॉक बनाया गया है, तो प्रशासनिक ब्लॉक बनाए जाने के बाद में आपको क्या लगता है कि आपको पार्टी को फायदा मिलेगा इसमें? क्योंकि चामुर्ची और बानाट इलाके के काफ़ी दिनों से ये उन लोगों के दावी था कि कम से कम बानाट में एक ब्लॉक बनाया जाए, क्योंकि चामुर्ची से लेकर के धूपगुड़ी प्राय 40-45 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। तो ब्लॉक बनाए जाने के बाद में पार्टी को कितना फ़ायदा होने के आसार है? देखिए, एक बात तो है, पार्टी को कितना फ़ायदा मिलता है नहीं मिलता है, दीदी इसको चिंता नहीं करती है। दीदी चाहती है कि मेरा पश्चिम बंगाल का जो जनता है, जो वोटर साइज इस इलाका लोग हैं, बसिंदा है, वो तकलीफ में ना हो। काफ़ी दिनों से एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का बनाहट से आवाज़ तो आया था, लेकिन एक किसी सरकार ने नहीं किया। दीदी सचमुच इसको इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि एक चामुर्ची से धूपगुड़ी जाना सारा दिन का टाइम लग जाता है। तो जहाँ से डिसेंट्रलाइज हो, आदमी करीब के करीब ऑफिस आदमी का करीब पहुँचे, ये चिंताधारा रखते हुए दीदी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक तो बनाया। लेकिन मैं आप लोग के जरिए मैं उस इलाका का लोगों को मैं अपील करना चाहता हूँ, आप जो चाहे थे दीदी पूरा किया, आपको जो करना है वो दीदी के लिए करना है, 2021 में करना है, आप ज़रूर करेंगे, मैं आप लोग के जरिए अपील करना चाहता हूँ। अच्छा, अंतिम प्रश्न श्री जोसेफ जी, आप जीत को लेकर कितना आशावान है? क्योंकि यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस और वामफ्रंट का जो गठबंधन, इसका भी प्रार्थी की घोषणा नहीं की गई है, और भाजपा भी अभी तक अपने प्रार्थी की घोषणा यहाँ पर नहीं किया, अकेले इस चुनावी मैदान में अभी चुनाव प्रचार में सिर्फ आप ही दौड़ रहे हैं, तो आपको अपनी जीत के प्रति कितना आशावान है? देखिए, मेरा जीत का प्रति तथा पार्टी के जीत के लिए, दीदी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम पूरे आशा हैं। कारण यहाँ पार्टी जीतेगी तो मैं जीतूंगा, पार्टी जीतेगी तो दीदी सीएम बनेगी। लोगों ने तय कर चुका है, जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी ही घोषणा कर नहीं पा रही है, और जहां भी घोषणा हो रही है वहां दिखाई दे रहा है अपने में इतना सा कंदल, कहीं पार्टी ऑफिस जल रहा है तो कहीं चेयर टूट रहा है, अपने आप में लड़ रहा है, नेता रिजाइन दे रहा है, तो इससे लगता है कि काफ़ी बिछड़ा हुआ है बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो घोषणा करने में इतना टाइम लग रहा है, तो जनता समझ रही है जो पार्टी अपने केडर को संभाल नहीं पा रहा है, जो पार्टी अपना नेताओं को संभालने नहीं पा रहा है, तो वो पश्चिम बंगाल को क्या संभालेगा, इस नगरघाटा कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्या संभालेंगे? तो इसीलिए जनता तय कर चुकी है कि वोट देना है तो दीदी को जिताने के लिए ही देना है, टीएमसी को देना है, तो मैं 100% इस क्षेत्र से दीदी जीतेगी, मैं ये आशा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद श्री जोसेफ मुंडा जी, ये थे हमारे समक्ष में अभी नगरकटा विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी श्री जोसेफ मुंडा जी, उन्हें मैं बहुत बहुत बधाई अपने चैनल की ओर से देना चाहता हूँ। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, यदि आप विधायक बनकर के जीत करके यदि आते हैं तो आपका जो सेवामूलक कार्य जो पहले जैसा था उसी प्रकार से यथावत रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।